प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी सफलता के पीछे राज क्या है, आप किस तरह से इस तरह से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि हमें अपने आसपास की जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ही अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव सोच के होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनके विचार आपसे मिलते हो, ऐसे दोस्त हमें बनाने चाहिए। और आप देखिए पीछे पूरे उसमें उन्होंने अपने सर्कल में जिन दोस्तों को रखा है, चाहे वो हमारे NSA अजीत डोभाल जी हो, चाहे अमित शाह हो, या दूसरे जो IAS ऑफिसर उनकी लोभी जो उनको एडवाइस करती है, वो सारे के सारे देशभक्त लोभी है जो हमेशा हमें ये एक एनर्जी, एक सकारात्मक एनर्जी देते रहते हैं। प्यारे बच्चों, यही चीज आप पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे दोस्तों के बीच में रहते हैं, आपके आसपास का सर्कल क्या है, ये निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा। आज जो कुछ भी आज आप है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले 5 साल में किस तरह के दोस्त आपके रहे हैं। ये भविष्य के लिए भी ये चीज लागू होती है कि 5 साल बाद आप क्या होंगे, ये भी आज के दोस्तों पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्त बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे दोस्त हो जो लगातार आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ये बात आप में होनी चाहिए। दूसरी प्यारे बच्चा, थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला है या ज्यादा है या कुछ, आप उनको थोड़ा ज्यादा समझते हैं, लेकिन वो कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक कहानी भी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में, शहर में समझ लीजिए, बाढ़ आ गई, तो दो गढ़े थे, एक तांबे का बना हुआ था, एक मिट्टी का बना हुआ था। उन्होंने कहा बाढ़ आ गई, हम दोनों को ही बहना पड़ेगा, तो आप मेरा साथ मत छोड़ना। मिट्टी वाले ने तांबे वाले से कहा कि मैं जिस तरह से पीछे आपके साथ रहा हूँ, ऐसे ही आपके साथ आगे भी रहना चाहता हूँ। और बाद में जब आगे वो बहने लगे, बोला ठीक है, तो मेरे साथ साथ रहना, हम साथ साथ बहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिट्टी का घड़ा उस तांबे के घड़े से टकरा टकरा के खुद ही टूट जाता है और अपने आप को खत्म कर लेता है। प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि हमसे ऊपर है, लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमारे साथ हमारा दिल टूटता, हमारा मन टूटता और हम अंदर से टूट जाते हैं, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए दोस्त भी हमेशा बराबर के बीच में करें, अपने जैसे विचारों के साथ रखें, ये चीज इम्पोर्टेंट है। दूसरी प्यारे बच्चों, ऐसी फलता हम लोगों को कई बार मिल जाती है, हम लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनसे यही क्वेश्चन किया कि आपने बहुत असफलताएं भी सोची हैं, देखी हैं अपने राजनीतिक जो ये जीवन रहा है, या जो आपका स्टूडेंट लाइफ थी, या जब आपका व्यक्तित्व लाइफ थी, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया। तब उन्होंने कहा था कि डोंट ब्लेम द अदर फॉर योर फेलियर, यू शुड एक्सेप्ट योर फेलियर। यानी कि तुम्हें अपनी जो असफलता है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी है, उसको दूसरों को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसमें सुधार करेंगे, और सुधार करेंगे तो धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, यही बात आप पर भी लागू होती है कि जैसे हम आप में से कोई बच्चा कि कम नंबर आ जाता है, फेल होता है, तो वो दोष देता है, वो कहता है कि मैं फेल पता क्यों हुआ हूं, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, या मेरे टीचर ने मुझे सही नहीं पढ़ाया, मैं तो क्लास ही नहीं लगती थी, हमें तो समझाया ही नहीं गया। यानी कि ये नहीं एक बार भी सोचा कि आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपने उस माहौल को जो सुविधाएं आपको दी वो आपने नहीं दी। तो ये चीज आप कभी भी ये मत, सक्सेस होती है, सफलता मिलती है तब हम सीधे सीधे अपने आप को कि ये मेरी वजह से हुआ है, नहीं। जैसे ही आपको किसी आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती है तो भी आप सभी को जिनसे आपने एक भी अक्षर सीखा है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका थैंकफुल होना चाहिए। यू शुड थैंकफुल फॉर द गॉड ऑल्सो फॉर योर सक्सेस। आपने देखा होगा कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जैसे ही चुनाव संपन्न हुए लोग खुशियां मना सकते, तुमको विश्वास भी था कि मेरा सही रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी सीटों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन वो सीधे भगवान शिव के धाम चले गए,
और एक कुटिया में जाकर के नीचे जहां ऑक्सीजन की कमी थी, जहां विपरीत परिस्थितियां थी, वहां जाकर के साधना की और भगवान शिव का धन्यवाद किया कि आपने मुझे योग्य समझा। आपने जो भी अच्छा जीत या हार वो बात है, पर जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो आपकी बदौलत मिल रहा है। मेरे देशवासियों का ध्यान रखना। 24 घंटे वो एक गुफा में कम ऑक्सीजन की अवस्था में बैठे रहे और लगातार परमपिता परमात्मा से भगवान शिव से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे देशवासियों पर किसी तरह की आंच ना आए, किसी तरह का कष्ट ना आए, मेरा देश प्रफुल्लित हो, एक हो। और ये चीजें वो उस समय वहां सोच रहे थे। यू टू ऑल्सो थैंकफुल फॉर योर सक्सेस टू गो ऑल्सो, कि जो आज हम सफलता मिली है, जो हमें अवसर मिले हैं, वो परमपिता परमात्मा की उन्हीं की वजह से ये सब कुछ मिला है। तो ये हमारे अंदर एक और बात थी कि हम फेलियर्स में ज्यादा निराश ना हो, और जब हमारे में सफलता मिले तो बहुत ज्यादा उत्साह की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कंटिन्यूस आगे बढ़ना है। लेकिन एक और बात प्रधानमंत्री जी ने भी बताई, उनके जीवन से भी झलकती है कि गरीबी, अशिक्षा, ये चीजें बाधा नहीं डालती। उनके पास 2 सीटें भी थी, तब भी बोला हम घबराए नहीं और अपनी अपने में काम करते रहे, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करते रहे, अपने जीवन में परिवर्तन करते रहे, अपनी नीतियों में परिवर्तन करते रहे, ताकि एक समय जरूर होगा, क्योंकि सच्चाई और सच्ची नीतियों का, सच्ची नीयत का जरूर फायदा होता है। और वो चीज हुआ भी हमारे, तो प्यारे बच्चों ये एक चीज हो जाएगी कि जब लोग आप आगे बढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। आपको जब आप पढ़ने लगोगे तो मैं कहीं देश ज्यादा पढ़ेंतरी बनता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरे साथ और उनके साथ भी ऐसा होता है। आप देखिए, जब जब वो विदेशों में गए हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष ने उनके साथ किस तरह से, उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने आत्मसम्मान के साथ पूरे, उन्होंने कहा कि हम ना झुक के बात करते हैं, ना उठा नजरे उठा करके बात करते हैं, हम आंखें मिला के बात करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते, नहीं हम ये जानते कि कोई हमें नीचा दिखाए, बल्कि एक समानता का व्यवहार हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, जापान, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब सम्मान दूसरों को दे रहे हैं तो हम भी सम्मान के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब दूसरे देशों में गए तो उनको सम्मान मिल रहा था। वो सम्मान आपने देखा कि वो उस देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। उसका कारण ये है, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो उनका एक्शन है, क्योंकि वो एक्शन जो भी करते हैं बड़े सोच के करते हैं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक्शन शुद्धि पर्पज भूली, उनका हर एक्शन हर कार्य एक पर्पज लिए होता है, एक उद्देश्य लिए होता है। और हमारे देश के लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे देश को भी आर्थिक में, मानसिक में उनका फायदा मिलता है। इसलिए हमारे देश में, क्योंकि इनके बिहेवियर से, इनके व्यवहार से फायदा हो रहा है, तो हम अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि ये सम्मान पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है, 130 करोड़ भारतीयों का है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये जो भारत रत्न है ना, हम किन को देते हैं, हम उनको देते हैं जिसने देश के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया किया है। और जब दूसरा देश का राष्ट्र का हम ये भारत रत्न देते हैं, तो हम तभी देते हैं जब उस देश ने हमारे देश के लिए बहुत किया हुआ होता है। ये देखिए, जब मुस्लिम राष्ट्र कुछ थे, जैसे फिलिस्तीन है, जैसे यूएई है, जब उन देशों को सम्मान मिल रहा था ना, हमारे प्रधानमंत्री जी को जब वो सम्मान दे रहे थे, तो पता क्यों? क्योंकि उनको फायदा था, लेकिन इससे उनको क्रिटिसिज्म कितना मिल रहा था। पूरे पाकिस्तान में, चाइना में लोग विरोध कर रहे थे कि यूएई, फिलिस्तीन, ये हमारे जो मुस्लिम राष्ट्र है, ये एक हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष को ये सम्मान क्यों दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, आवाज मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो उसको क्रिटिसिज्म होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे देश में भी बहुत से ऐसे गांववादी नेता हैं जो हमारे देश का, खुद का प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये राष्ट्रवाद की बात है, ये देश की बात है, देशभक्ति की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी के समझ में नहीं आती। प्यारे बच्चों, ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूं कि एक बार आपने देखा होगा कि आपके गांव में कोई कई बार हाथी आया होगा, देखा है, और जब हाथी आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि भगवान गणेश जी आ गए हैं, और हम सारे उनके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं कि गणेश जी के रूप में पूजा करते हैं, और
सब सम्मान, लेकिन जब पीछे से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में यह बात कह रहा हूँ, जब वो चलते हैं तो पीछे से कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, जैसे पाकिस्तान और दूसरे जो अलगाववादी नेता हैं, मैं उनके विषय में बात कह रहा हूँ, वो भौंकने लगते हैं पीछे से। अब उनसे पूछा जाए जो भौंक रहे हैं, तुम आप समझ सकते हैं उनसे एक प्रश्न किया जाए कि तुम क्यों भौंक रहे हो, इस हाथी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तब वो कहते नहीं, इस हाथी ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? फिर वो कहते हैं कि हम इसलिए भौंक रहे हैं, हम हाथी को नहीं भौंक रहे हैं, हमें जलन हो रही है, हमें ईर्ष्या हो रही है उन लोगों से जो हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, हमें ईर्ष्या हो रही है अमेरिका से, जापान से, रूस से, इजराइल से, कि वो इनको इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और इनकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं वो हमारे देश के महानतम, जो मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी हैं, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको वो सम्मान जो है सहन नहीं हो रहा। प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन में बस एक ही उन्होंने उद्देश्य रखा है, अपने 130 करोड़ भारतीयों को उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। देखिए, अब जनमानस में वो बात बैठ चुकी है, फिर उन्होंने जल संचय का इस बार पूरे देश में हर स्कूल में हर आदमी कोशिश कर रहा है कि जल को हम व्यर्थ ना करें, फिर उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का अभियान चलाया और वो भी बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ पूरे देश में चला, दुनिया उनका अनुसरण कर रही है। प्यारे बच्चों, यही चीज अब माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनका देश कल स्पोर्ट्स डे था और स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर बच्चा, हर आदमी, चाहे औरत है, चाहे वो आदमी है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। हेल्दी इंडिया मिशन के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमें सही 10 बजे मन की बात कार्यक्रम के तहत बोलेंगे, बताएंगे, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनकी बात को सुने। मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनको सोचने की कोशिश करते हैं, हम सभी सुनते हैं, हमारे सारे अध्यापक प्राध्यापक साथी एक साथ में बैठ करके बातें करते हैं, तो उनके विचार को मतलब रिपीट करते हैं ताकि उस पर हम चल सके। और आज हर साल ये 5 साल का कार्यक्रम है, पहले साल वो चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ जो है वो मजबूत हो हमारे विद्यार्थियों के, हमारे देश के लोगों की, क्योंकि जब स्वस्थ होगा बच्चा तो भारत भी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ भारत होता तो अच्छा सोचते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं और देश को, दुनिया को, अब हम विकासशील देश से विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा हर व्यक्ति, हर बच्चा स्वस्थ हो।